नमस्कार, आप देख रहे हैं Lallantop.com और मैं हूं निखिल। 28 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी खुद मीडिया के सामने आए आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार मर्डर केस पर से पर्दा उठाने। उनका आना लाजमी था। जनवरी के महीने में संघ भाजपा से आने वाले पांचवें व्यक्ति का कत्ल हुआ था और भाजपा इन हत्याओं को लेकर अच्छा खासा दबाव बनाए हुई थी। लेकिन जैसे जैसे एसपी साहब बोलते गए, बात राजनीति से दूर होती गई और नोट्स लिख रहे पत्रकारों का दिमाग सुन्न होता गया। एसपी गौरव तिवारी ने मीडिया को बताया कि 23 जनवरी 2019 की सुबह खेत में मिली लाश हिम्मत पाटीदार की नहीं थी। वो दरअसल कभी मरा ही नहीं था। लाश थी कभी हिम्मत के यहाँ काम करने वाले एक हाली की, जिसे हिम्मत ने कत्ल करके जला दिया था। क्यों? बीमे की रकम के लिए। राजनीतिक हिंसा का जैसा इतिहास केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार का रहा है, वैसा मध्य प्रदेश का नहीं रहा। लेकिन जनवरी में 10 दिन के अंदर हुई चार लोगों की हत्या ने इस दावे पर सवालिया निशान लगाए। मंदसौर में बीजेपी के नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार, बड़वानी में भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे, इंदौर में भाजपा नेताओं के फाइनेंसर कहे जाने वाले संदीप अग्रवाल और गुना में भाजपा नेता के रिश्तेदार परमाल कुशवाहा का कत्ल हुआ। खूब हंगामा हुआ। शिवराज सिंह चौहान और दीगर भाजपा नेताओं ने ट्वीट पर ट्वीट किए, बयान दिए। इस मौके पर कमलनाथ का एक पुराना बयान बार बार दोहराया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव के वक्त एक समय एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि आरएसएस को चुनाव के बाद देख लेंगे। कहा गया कि देख लेने की शुरुआत हो गई है। उधर ये बात भी चल पड़ी कि डर का ये माहौल भाजपा खुद अपने फायदे के लिए तैयार कर रही है, ताकि उसे 2019 में होने वाले चुनावों में सहानुभूति का फायदा मिले। इसी तमातमी के माहौल में 23 जनवरी 2019 की सुबह रतलाम जिले में पड़ने वाले कमेड़ गांव में रहने वाले लक्ष्मी पाटीदार को अपने खेत में एक लाश नजर आई। इस लाश का चेहरा जला हुआ था। पुलिस को इत्तला की गई। लाश के चेहरे से पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन लाश के कपड़ों से लगता था कि वो हिम्मत पाटीदार है, खेत मालिक लक्ष्मी पाटीदार का बेटा। पुलिस ने लाश के आसपास छानबीन की तो एक एक करके हिम्मत पाटीदार की चीज़ें मिलने लगी। कपड़े, डायरी, जूते, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड्स, आधार कार्ड वगैरह वगैरह। आखिर हिम्मत के परिवार ने पुलिस के सामने मरने वाले के शिनाख्त हिम्मत के रूप में कर दी। इस हत्या की खबर पूरे सूबे में तेज़ी से फैली, क्योंकि 36 साल का हिम्मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ा हुआ था। हिम्मत को शहर में निकलने वाले संघ के पथ संचलनों में कई बार देखा गया था। हिम्मत के ताऊ का लड़का संजय पाटीदार संघ का रतलाम जिला घोष प्रमुख है। 23 जनवरी की शाम को हिम्मत का अंतिम संस्कार हुआ। इस वक्त स्थानीय भाजपा नेता भी वहां मौजूद थे। जैसे जैसे जांच होती गई, मामला पेचीदा होता गया। लाश का सिर्फ चेहरा जले होने का एक ही मकसद हो सकता था, पहचान छुपाना। फिर लाश के कपड़े भी इस तरह के थे कि उन्हें जल्दी जल्दी पहना गया हो, इसीलिए शव को किसी के भी सुपुर्द करने से पहले पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए लाश के नाखून और बालों के सैंपल्स ले लिए थे, ताकि ठोस पहचान मालूम की जा सके। हिम्मत की नृशंस हत्या की जांच में पुलिस ने ऐसे लोगों के बारे में मालूम किया जो हिम्मत के दुश्मन हो सकते थे। इस लिस्ट में एक नाम था मदन मालवीय का। मदन 2 बरस पहले हिम्मत के यहाँ हाली था। हाली माने खेत में काम करने वाला मजदूर। मदन अब गांव में रहने वाले सत्तार खान के यहाँ काम करता था, लेकिन जब से हिम्मत की लाश मिली थी मदन गायब था। पुलिस ने इस दिशा में छानबीन करनी शुरू की कि कहीं मदन का हिम्मत से कोई हिसाब किताब तो नहीं रह गया था जिस पर झगड़ा हुआ हो और जिसके चलते मदन ने हिम्मत को मार डाला हो। जांच शुरू ही हुई थी कि पुलिस को ये मालूम चला कि लाश के कुछ दूर मिले जूते हिम्मत के नहीं थे, ये जूते थे मदन मालवीय के। इसने ये सवाल पैदा किया कि आखिर कोई हत्यारा अपने जूते घटनास्थल पर क्यों छोड़ेगा। लेकिन पुलिस मदन को संभावित कातिल मानकर आगे बढ़ती रही। मदन और हिम्मत दोनों के घर वालों को थाने बुलाया गया और पूछताछ की गई। पुलिस ने इसी दौरान दोनों परिवारों के सदस्यों के सैंपल्स लिए, ताकि उन्हें लाश के डीएनए से मैच करके देखा जा सके। ये सैंपल भेजे गए सागर। मध्य प्रदेश में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सुविधा सागर की फोरेंसिक साइंस लैब में है। यहाँ से रिपोर्ट आने में 48 से 72 घंटे लग जाते हैं। पुलिस ने ये घंटे लगाए छानबीन। मदन के भाई ने मीडिया को ये बताया कि पुलिस उनके परिवार को थाने में बैठाने के बाद मदन के तलाश में उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी ले गई। मदन के भाई को थाने में ही बैठा के रखा गया। जब मदन की माँ की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई,
तब जाकर मदन के भाई को छोड़ा गया। इधर हिम्मत की लाश के पास से बरामद चीजों से हत्या का सुराग लेने की कोशिश हुई। डायरी में एक बीमा पॉलिसी का नंबर, एक FD और दूसरी बैंक डिटेल्स जैसे कि पिन नंबर वगैरह मिले, लेकिन फोन से सारा डाटा गायब था। इसलिए पुलिस ने हिम्मत के नंबर की डिटेल्स निकलवाई। मालूम चला कि वो रात को काफ़ी देर तक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था। खोजबीन में ये भी मालूम चला कि हिम्मत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दिसंबर 2018 में ही 20 लाख रुपए का बीमा लिया था, जिसकी नॉमिनी उसकी पत्नी थी। हिम्मत ने इस पॉलिसी की 1000 रुपए की किस्त भी भर दी थी। और फिर सामने आई ये बात कि हिम्मत के यहाँ अच्छी खासी खेती थी तो सही, लेकिन वो ब्याज पर पैसे चलाने का काम करता था। उसे लगातार नुकसान हुआ था और उस पर तकरीबन 26 लाख रुपए का कर्ज था। हत्या से एक दिन पहले भी हिम्मत ने एक व्यापारी से 20,000 रुपए लिए थे। 28 जनवरी की सुबह एक सीलबंद लिफाफे में सागर लैब की रिपोर्ट रतलाम पुलिस को मिली। इसमें यह लिखा था कि लाश हिम्मत की नहीं, मदन मालवीय की है। इसके बाद पुलिस को मामला समझने में देर नहीं लगी। दोपहर 12 बजे के करीब पुलिस ने प्रेस के सामने दावा किया कि यह सब हिम्मत का ही किया धरा है। कर चुकाने से बचने और बीमे की राशि हड़पने के लिए उसने ये साजिश रची थी। पुलिस की तफ्तीश में रामगोपाल मालवीय उर्फ कालू नाम का एक शख्स सामने आया। रामगोपाल ने बताया कि हिम्मत ने घटना वाली रात करीब 1:30 बजे उन्हें फ़ोन करके खेत पर बुलाया था, लेकिन ठंड के कारण उन्होंने बहाना बनाकर मना कर दिया और शायद इसी बहाने उनकी ज़िंदगी बच गई। मदन के मर्डर से 3 दिन पहले हिम्मत कालू को एक नाई के यहाँ ले गया था, तब उसने कालू के बाल अपनी तरह कटवा लिए थे। अब कालू भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि उन्होंने हिम्मत की बात नहीं मानी, वरना ये सब बताने के लिए वो शायद जिंदा न होते। पुलिस की थ्योरी 3 चीज़ों पर टिकी है: फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट, हिम्मत का बैकग्राउंड और गांव वालों के बयान। बीमा क्लेम करने के लिए हिम्मत पाटीदार को खुद को मरा साबित करना था और इसके लिए एक लाश चाहिए थी जो उसके जैसी दिखे। हिम्मत ने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की, लेकिन मदन शुरुआत से उसके निशाने पर नहीं था। वो एक तेज़ी से बदले घटनाक्रम में हिम्मत का शिकार बना। हिम्मत तकरीबन 1 हफ्ते से खेत पर नहीं गया था। घटना की रात गांव वालों ने हिम्मत को खेत पर देखा, लेकिन हिम्मत खेत पर काम से नहीं गया था। न उसने मोटर चलाई, न खेत में पानी दिया। उसने कालू को 2 बार फ़ोन किया, लेकिन कालू ठंड की बात कहकर आए नहीं। इसके बाद हिम्मत उस खेत पर गया जहां कालू काम करते हैं, लेकिन कालू वहां भी नहीं मिले। अब हिम्मत के दिमाग में मदन मालवीय का नाम आया, जो पास ही के खेत में काम करते थे। हिम्मत मदन के पास पहुंचा और साथ चलने के लिए कहा। मदन चूंकि हिम्मत के यहाँ काम कर चुके थे, उन्हें हिम्मत की बाइक पर बैठते हुए बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। हिम्मत के खेत पहुंचने के बाद दोनों ने साथ में बीड़ी पी और इसके बाद हिम्मत ने मदन का गला घोंट दिया। फिर हिम्मत ने अपने खेत पर रखी तलवार से मदन के गले पर वार किए। जब मदन की जान चली गई, तब हिम्मत ने उसे अपने कपड़े पहनाए। इसके बाद लाश का चेहरा जला दिया गया। आखिर में हिम्मत अपनी चीज़ें लाश के आसपास बिखेर कर घर लौट गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश करने का दावा करने के साथ ही हिम्मत को फरार घोषित किया था और उस पर 10,000 रुपये का इनाम रखा था। 31 जनवरी की रात पुलिस ने हिम्मत को राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक धर्मशाला से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ये मालूम चला कि हत्या के बाद हिम्मत अपने घर लौटा था और वहाँ उसने अपने कपड़ों से भरा एक बैग लिया, जूते लिए और एक बस पकड़ी। इस बस से उतरने के बाद हिम्मत एक ट्रेन में चढ़ा जो इंदौर जाकर रुकी। इंदौर से हिम्मत फिर एक बस में बैठा और उज्जैन पहुँचा और उज्जैन से वो प्रतापगढ़ गया। प्रतापगढ़ में एक मंदिर की धर्मशाला में उसने 10 रुपये रोज में एक कमरा लिया, जहां से वो गिरफ्तार हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को हिम्मत के पास 48,715 रुपये, हनुमान चालीसा और एक कागज़ मिला जिस पर घर वालों के नंबर लिखे हुए थे। हिम्मत पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और हत्या के साथ साजिश की धारा भी लगाई गई है। कमेट में हिम्मत का एक बड़ा सा घर है। इस किले नुमा घर में दर्जनों कमरे हैं। पुलिस इस बात की जांच में लगी है कि इस घर में रहने वाले हिम्मत के रिश्तेदार तो कहीं इस हत्या में शामिल नहीं थे। हालांकि हिम्मत के बड़े भाई ने मीडिया से कहा है कि परिवार से लाश पहचानने में गलती हुई है, लेकिन वो हिम्मत के प्लान का हिस्सा नहीं थे। पहले मदन को कातिल कहा गया और अब मालूम चला है कि उसी की हत्या हुई है। घर वालों को उसकी मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। मदन का पूरा परिवार मजदूरी करता है,
उनकी बीवी बोल नहीं सकती। मदन की दो बच्चियां हैं जिनका हवाला देकर मदन के बूढ़े माँ बाप हिम्मत के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं और मांग रहे हैं एक और जवाब भी कि आखिर हिम्मत ने ऐसा क्यों किया। इस खबर के लिए जानकारियां और तस्वीरें हमें इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार विजय मीणा जो कि रतलाम में रहते हैं और रवीश पाल सिंह जो कि भोपाल में रहकर काम करते हैं, इन दोनों से मिली है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।